हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हुए हम लोग शुरुआत करें। देखो, कल 2 दिन से आपको पढ़ा रहे इलेक्ट्रिक करंट, उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा फील भी आ रहा होगा, महसूस भी होता है। फिजिक्स में बिना फीलिंग अगर फॉलो नहीं किया तो काम नहीं कर रहे, इसलिए आप एकदम महसूस करो क्या हो रहा है। अभी तक आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड टॉपिक हम शुरुआत किए, जिसमें 2 या 3 को आंसर देने का कोशिश किए। पहला, करंट कहते किसको है? आप जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको जवाब देंगे, आपको जवाब आया या नहीं। पहले, करंट किस वक्त? दूसरा, किसी भी कंडक्टर में करंट कब बहता है और क्यों बहता है? ठीक है, बस। तीसरा, कि कोई बॉडी बैटरी का क्या रोल है? बैटरी अपना सर्किट को जब ऑन करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों होता है? ठीक, बस ये आपको जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं। 3 जवाब आपको दे चुके। कल आपको बताएं कि जब करंट किसी कंडक्टर में बहता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन किस प्रकार का है? ठीक है, बस। क्या वो सिंपल है या zigzag मोशन है उसका? उसके बाद ड्रिप वेलोसिटी क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अज्यूम किया गया है और जो एक्चुअल करंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो 6 क्वेश्चन का जवाब आपको हम दिए। ठीक, बस। इलेक्ट्रिकल फील्ड पर वो कैसे डिपेंड करता है? अब लास्ट में एक टॉपिक हम लोग का डिस्कस कर रहे थे, रेजिस्टेंस। क्या आपको याद है रेजिस्टेंस क्या? तो रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन किए कि रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टीज By virtue of which it opposes the flow of current through itself. ठीक है, किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने थ्रू बहते हुए करंट का अपोज करे। ये बात तो आर नहीं जानते। ठीक है, किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो बहते हुए करंट का अपोज करे, कोई आ रहा उसको रोके, रोकने का वो गुण, कंडक्टर का वो एबिलिटी जिससे वो रोक सके, उसके रास्ता में रुकावट पैदा कर सके, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, बस। तो किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस, अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चले आप, कोई रेजिस्टेंस हम बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर का टुकड़ा दे दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हम लोग लास्ट को डिस्क्राइब करते हुए निकाल भी दिए थे कल कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा और हाईलाइट करते हुए चले और डिस्कस करते हुए चले, बताओ रेजिस्टेंस बढ़ते समय में ये फैक्टर क्या है? तो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जो मेटल का इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब हर मेटल्स का अलग, कॉपर का अलग, अल्मोनियम का अलग, आयरन का अलग, सिल्वर का अलग, गोल्ड का अलग, हर का मेट का एबिलिटी, ये मेटल बाय मेटल बदलता है। ठीक है, शेप बदल दिया, साइज बदलते हो अलग हो जाएगा, मतलब अलग नहीं होगा। ये आपका लेंथ, कंडक्टर का लेंथ। ठीक, बस। कल हमने उसको डिराइव भी किए थे कि कंडक्टर का लेंथ, ऐसे भी जानते हैं कि अगर कोई वायर का लेंथ पर उसका प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लेंथ बढ़ा दिया जाए रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, वायर को लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, कि क्रॉस सेक्शन एरिया के रस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, माने जितना मोटा हुआ है रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो मैं एक फेमस क्वेश्चन आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूज वायर समझते ना, जो फ्यूज वायर उसका तार पतला लगाया जाता है क्यों? घर का जो वायर की तुलना में पतला लगाया जाता है क्यों? तो पतला लगाने से होता क्या पर जानता है ना क्या होता है? बताओ। ठीक है, जानते बताओ क्या होगा। पतला होने से क्या होता है? पतला होने से तुम्हारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का मान ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जो करंट का एनर्जी आ रहा था उसके ज्यादा अमाउंट को कंजर्व करे। गर्म ज्यादा अमाउंट करने से क्या होगा कि यहाँ पर कोई लाइट उठता नहीं, लेकिन क्या होता है, ज्यादा गर्म ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो उसका गलने का चांस ज्यादा होगा। जो बाकी वायरिंग वायर है उसके रेस्पेक्ट में वो जल्दी गल जाता है और वो गल कर सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे आपका घर का जो सर्किट है वो सेफ रह जाता है। तो सिस्टम सीधे सीधे यही है कि आप इसको चले, तो अब आप इसी चीज को डिस्कस करते चले कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है बात, अगर हमसे पूछा जाए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस बात पर वेरी करता है? जैसे एक फेमस ऑब्जेक्टिव है, करंट का कंडक्टर रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखोगे तो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टिविटी, मतलब मटेरियल पर। आप ध्यान रखिए, आप जानते बताइए कितना हो सकता है, कितना फैक्टर पर? तो एक रेसिस्टिविटी, जो मटेरियल डिपेंड करता है, अल्मोनियम का अलग, कॉपर का अलग, आयरन का अलग, सबका अलग अलग। दूसरा, लेंथ, कंडक्टर का लेंथ, जिस दिशा में वह करंट बह रहा है उस दिशा में वहां पर गया लेंथ, लंबाई कंडक्टर का। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पर जिस दिशा में जा रहा है उससे परपेंडिकुलर। ठीक, बस। और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? दो चीज पर डिपेंड किया, पहला तो हमारे पास क्या हो गया, उसके डायमेंशन पर, यानी लेंथ और एरिया पर, दूसरा उसका मटेरियल पर। और कुछ पर? टेम्परेचर, ठीक बोल रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने हम लोग कल
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल से भी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ा तो जल्द जल्दी कोलिजन होगा जिससे रेजिस्टेंस इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, और चौथा चीज है डायरेक्शन ऑफ करंट्स, करंट के डायरेक्शन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखो। ठीक है, बस ट्वेल्थ लेवल में उतना काम नहीं इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब कंपटीशन लेवल के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक ही कंडक्टर का बात करें जाए, जैसे ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर हमारे सामने रखा हुआ है, ये कंडक्टर्स है। ठीक है, बस देख रहे बात, कंडक्टर ये क्यूबॉइड शेप में है। अब यहाँ से कोई करंट को यहाँ से हम भेजे, इस समय भेजे, ठीक है, बस और एक बार हम ऐसा रखें और इधर से करंट को भेजे, देख लो बात, दोनों सर्फे बदल दीजिए, सेप बदल दी, आप बताओ क्या इसका रेजिस्टेंस सेम जैसा बिहेव करेगा या रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। एक ही कंडक्टर है, एक ही चीज का बना हुआ है, मान लो एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम का ही बना हुआ है, लंबाई एरिया भी वही है, तुम्हारा लंबा डायमेंशन भी सेम है, लेकिन केवल दिशा बदल दी। देखो इस समय खड़ा रखे और इस समय ये फ्लैट रखे, हॉरिजेंटल रखे, क्या दोनों बार करंट रेजिस्टेंस का मान सेम होगा या अलग अलग, बोलो तेरा क्या जवाब, सेम या अलग अलग। तो जवाब सीधा सीधा कि रेजिस्टेंस का मान जो है वह डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तुम खुद से सोच के देखो, खुद सोच के देखो, मान लो इसका एरिया, जैसे ये वाला जो एरिया होगा इसका, ठीक है, बस इस सतह का अगर तुम लोग सिंपल से बात करें, जैसे हम फिगर में अगर दिखाना चाहें तो एक क्यूबॉइड को दिखाते हैं। देखिए जी, ये आपका एक क्यूबॉइड्स को अगर हम दिखाना की कोशिश करें तो देखिए ये आपका एक क्यूबॉइड्स है, ठीक, बस इसका लंबाई बारे ये ए बी और ये आपका चौड़ाई सी। अगर हम करंट को इधर से भेजे और इधर से निकाले, इधर से भेजे इधर से निकाले, इस स्थिति में मतलब लेंथ कितना हो गया, वायर कितना लेंथ कवर किया, तो डिस्टेंस सी, और क्रॉस सेक्शन एरिया सामने जो फ्लैट एरिया मेट हुआ वो ये वाला यानी एरिया ए बी। तो इस स्थिति में रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, रो, रो रेजिस्टिविटी वो तो नहीं बदलेगा, लेंथ कितना है सी, और इधर का परपेंडिकुलर एरिया कितना हो गया ए बी, ए गुना बी, ये आपका एरिया, ठीक बस। लेकिन अगर सेकेंड सिचुएशन में इसको हम लोग, ठीक बस, आर वन का बात कर रहे हैं, इस दिशा में अगर हम इस तरह से करंट को भेजिए और इधर से निकाल रहे हैं, अड़ी बस इस तरह से भेजे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, आर बराबर, देखो आर डैश कहते हैं, इस सिचुएशन रेजिस्टेंस का मान बदल गया, यहाँ तक का लेंथ, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ आपका बी, तो रो बी, और ये हो गया ए सी। मतलब सेम सिचुएशन, एक ही वायर, एक ही टुकड़ा दे दिया जाए और कहा जाए कि बोलो ये वाला टुकड़ा तुम्हारा थमा दिया जाए कहीं पर, बोले बोला इसका रेजिस्टेंस फिक्स, रेजिस्टेंस कितना, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन सामने रोजाना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, ऐसा या ऐसा या तिरछा, किस तरह का हम बात हमसे कर रहे हैं। तो एक पार्टिकुलर सिचुएशन का बात करें, एक ही टुकड़ा हो, मटेरियल बदल गया तो हर आदमी जानता है कि रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है, बस लेंथ और एरिया बदल जाए तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सेम रखा जाए, वही टुकड़ा रखा जाए, अलग अलग सिचुएशन में कर दिया जाए, तो भी रेजिस्टेंस बदल सकता है। तो रेजिस्टेंस चार फैक्टर पर डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चार फैक्टर पर, बोलो कौन कौन सा, पहला उसका तुम्हारा मटेरियल पर, अरे अल्मोनियम का है, कॉपर का है, आयरन का, इस पर, दूसरा उसका डायमेंशन पर, लेंथ और एरिया बदल दिया है तो, तीसरा आपका टेम्परेचर पर, और चौथा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट्स पर, माने करंट किस तरह से बह रहा है, दिमाग में समझिए, बस ये चार फैक्टर पर डिपेंड करता है करंट्स, ठीक, बस अब इसी पर, ठीक है, ये आपका चार फैक्टर पर। अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल्स को स्टडी कराते हैं, ठीक है, आज थोड़ा न्यूमेरिकल्स को दिखाते हुए चले जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। देखो फॉर्मूला तो आपके पास अभी भी एक ही है, आर बराबर क्या हो गया, जैसे रो एल बाय, इसी पर बेस्ट छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको हम दिखाने की कोशिश करें, बारी बारी ध्यान देखो। जैसे एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन, पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा, रो एल बाय ए, इस फॉर्मूला पर बेस्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन में चार क्वांटिटी है, चार क्वांटिटी है ना, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। आप चारों में तुम्हारे पास तीन दिया रहेगा, चौथा मांगते रहेगा, माने एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन, जो ट्वेल्थ में यही सब करते, चार तीन को दे देगा, तीन को दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये मांग लिया, आप निकाल लीजिए, ठीक बस। या आपको बाकी दो दिया और तीन दिया हुआ, रेजिस्टेंस दे दिया, आपसे लेंथ मांग लिया, एरिया मांग लिया, तो इस पर हम एक दो क्वेश्चन सीट में दिए हैं वह बना लीजिएगा, उस पर आपको उतना कोई मतलब नहीं, ठीक बस। दूसरा आपका, आपका क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या होगा, रो एल बाय, अब तुम्हारे पास, ठीक है, क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह का भी, अब रेजिस्टेंस जैसे एक फेमस क्वेश्चन आप ट्वेल्थ में जरूर बनाए होंगे, ट्वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आता है,
ट्वेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास अच्छा देखो शुरू करें पहले ये, और देखो तो ये कंडक्टर दे दिए, एक कंडक्टर है जिसका एरिया ना दे के आपको हम रेडियस दे दे या डायमीटर दे दे, ये लेंथ दे दिए, ये लेंथ दे दिए, ठीक बस। और अब आपको कहा करंट इस तरह से बाहर, तो करंट निकालिएगा ना, रेसिस्टिविटी दिया रहेगा, एरिया की जगह पर रेडियस से डायमीटर दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आइए नेक्स्ट, ठीक है, इसी पर एक फेमस क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसका एक फेमस क्वेश्चन आपका ये वाला कि एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है जिसका कुछ डायमेंशन होगा, कितना नहीं दिया हुआ है, अगर कहा जाए कि इसको पीट पीट कर इसको डबल लेंथ का कर दिया जाए, कंडक्टर भाई ना ही कोई दूसरा चीज लाए, बस उसी को पीट पीट के लंबा कर दिया गया, लेंथ को डबल, ठीक बस, लेंथ आपका डबल, ये देखो यही वायर लेंथ डबल, तो स्वाभाविक अगर हम किसी को पीटेंगे लंबा होगा तो पतला भी तो हो जाएगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग आपका वो हो गया, तो बताइए कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 5 ओम तो बताइए नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ ना, आराम से बन सकता था, ठीक बस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो ए प्रोसेस मान लेते हैं कि एरिया ए लेंथ एल, ठीक बस, ले ए वन का वैल्यू ए, ये आपका आर वन मान लेते हैं, पहला सिचुएशन इसने वन वन कर दी, ये एल, अब इसका लेंथ एल टू का लंबाई कितना हो गया 12, बोलो ऐसा बनाया ना, एल टू का लंबाई 12, एरिया का वैल्यू एरिया बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, जब हम पीट के बनाए तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, यानी कि ए वन एल वन बराबर ए टू एल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा है पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, ये पाई आर स्क्वायर ही ना है, तो ये एच वन एच टू, आप हमारे पास क्या है ए वन एल वन, देख लो बढ़िया से, ए वन का वैल्यू कितना हो गया ए, एल का वैल्यू एल, ए टू का वैल्यू निकालना चाहते हैं एल टू हो गया 12, एल एल कट गया, यानी ए टू बराबर क्या हो गया ए बाई टू, ए टू बराबर ए बाई टू, तो ये ए बाई टू, ठीक बस, लेंथ अगर डबल करते एरिया कितना हो गया आधा, तो आप पूछा इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या पीटने से कोई रेसिस्टिविटी में अंतर पड़ेगा, नहीं, वही वायर वही है, अरे मटेरियल वही है, तो कैसा अंतर पड़ जाएगा, तो पूरा पूरा वही, तो आप सिचुएशन लीजिए फर्स्ट पर क्या रो एल वन बाई ए वन, और आर टू बराबर क्या हो गया रो एल टू बाई ए टू, ठीक है बस, अब इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, ये अगर जैसे डिवाइड किया रो रो कैंसिल हो गया, अब जो जो फैक्टर आपका एल बोला आर वन बाय आर टू बराबर एल वन बाई एल टू और ए टू बाई ए वन, अब जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है वो रखते चल जाइए, बता एल वन का मान कितना है एल, एल टू का मान कितना हो गया 12, ए टू का मान क्या है दिस इज ए बाई टू, और ए वन का वैल्यू कितना है तो दिस इज ए, ए से ए कैंसिल एल से एल कैंसिल, यानी कि 1/4 टाइम्स आर वन बराबर आर टू, सो आर टू बराबर क्या हो गया 4R1, आर टू बराबर 4R1, ठीक बस, तो आर टू बराबर आपका 4R1, मैंने नया जो रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 5-4 गुना बढ़ गया, यानी नया रेजिस्टेंस कितना 20 ओम, ऐसा क्वेश्चन बनाया ना, ठीक बस। अब इसी का एक जनरल फॉर्मूला के रूप में हम लोग तैयार कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम कर जाएगा, डिराइवेशन जरूर जानो, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना आर, ठीक बस, अगर कहा जाए कि इसको पीट कर एन टाइम्स कर दिया गया, एन टाइम्स पहले के तुलना में एन गुना ज्यादा, मतलब इसका अगर एल तो इसका एन एल होगा, इसका एल तो इसका एन एल, बोलेगा पीट करके डबल एन का वैल्यू 2, पीट करके तिगुना मान एन का वैल्यू 3, अटी बस, अब अभी तो कहते हैं कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अगर ये ए तो ये हो जाएगा ए बाई एन, ए बाई एन, आप बताओ नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस बराबर कितना होता है रो एल बाई ए रो, ठीक है आर बराबर इतना, और आर डैश बराबर क्या हो जाएगा रो एन एल और डिवाइड बाई ए बाई एन, मतलब ये ऊपर एन स्क्वायर रो एल बाई ए, पहचानो इसको, यही तो रेजिस्टेंस था, और आर डैश बराबर एन स्क्वायर एन टू आर, मतलब नया जो रेजिस्टेंस है वो एन स्क्वायर गुना पुराने रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर कोई रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस 3 ओम उसको डबल कर दिया गया डबल, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 का स्क्वायर गुना 3 यानी कि 12 ओम। अगर तुम्हारे पास कहा गया कि रेजिस्टेंस को किसी तरह से गलाकर उसके लेंथ को आधा कर दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या हो गया दिस इज 1/2 का स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3/4 ओम, मतलब
एन टाइम्स, एन टाइम्स एन का वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बस आप इस पर कुछ क्वेश्चन आपका सीट में दिए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा सीधा सीधा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी रहेगा, देखो ऐसा एक का रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है अडिवस, कुछ लेंथ होगा कुछ हिस्सा। अब इसको अगर बांध लो, एक रेजिस्टेंस छोटे से एक ऑब्जेक्ट के पहले पूछते हैं, अगर मान लो इसको हम काट दे दो भाग में ऐसा और ऐसा, तो बताओ इस प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या सेम रहा या चेंज हो गया, सेम या चेंज, बोलो बैठा हुआ सेम रहा गया कि चेंज हो गया, खुद सोच। अगर वायर को हम काट दिया मतलब एरिया नहीं बदला, केवल लेंथ कितना हो गया आधा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आर एल बाय ए। देखो ये पहला सिचुएशन में आर वन और आर टू बराबर क्या हो गया, तो लेंथ आधा एल बाय टू हो गया, ऐसा तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना हो गया आधा, पहले के तुलना में रेजिस्टेंस आधा, अगर काट दिया तो आधा हो जाएगा। अब क्वेश्चन तुमसे क्या एक क्वेश्चन होता है, देखो ऐसा एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर, ठीक है लेंथ कुछ रहा होगा ए रहा होगा, अगर इसमें से आधा ही पार्ट को पीटा गया, पूरा नहीं पीटा गया, आधा पार्ट को पीट कर ठीक है तीन गुना कर दिया गया, आधा ही पार्ट का तीन गुना कर दिया गया थ्री टाइम्स, ठीक बात, तो बताए नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक बात, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, मतलब दोनों का अलग अलग निकाल लो और फिर जोड़ दो, दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ दो, बोलो समझ बस, दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ दो, निकाल सकते हैं बस। तो जैसे ये आर, तो इसका कितना था आर बाई टू, सोचे इसको क्या क्या आ गया, सोचे इमेजिन करो, मतलब महसूस करो क्या हुआ, जैसे एक रेजिस्टेंस था उसको हम काट दिए, जैसे काटे रेजिस्टेंस कितना हो गया आधा आधा आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू, बोलो खाता बैठे क्या। अब एक पार्ट को तीन गुना कर दिया गया, एक पार्ट को तीन गुना कर दिया गया, तीन गुना, अभी तुम सीखा था आर बाई टू, पहला का तो आर बाई टू ही रह गया, सेकेंड वाला का आर बाय टू का हो आर बाय टू गुना थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन, सो आर बाय टू प्लस आर बाय टू इनटू नाइन, अब इसको जोड़ दो यानी कि टेन आर बाय टू, सो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फाइव। तो अगर थोड़ा सा समझ के बनाओ तो आसानी से बनाया जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा बस। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन आपको भेज रहे हैं वो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से करना होगा। ठीक है, तीन सब पार्ट में आओ अगला क्वेश्चन में आते हुए, अब थोड़ा सा लेवल को हल्का बढ़ाते हुए चले। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक सिलेंडर है, ठीक है हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ले इस तरह का, माने ये मेटल्स का बना हुआ है, दिखाते देखो पूरा समझाते पूरा सिचुएशन। ठीक बस, ये हॉलो है, ये आपका मेटल्स का बना हुआ है, ठीक बस, ये आपका एक्सिस, ये आपका एक्सिस, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी। ठीक बस, अगर मान लो कि करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, तो क्या ठीक है यहां पर इस तरह का सिचुएशन अगर दिया हुआ है, ठीक है ये करंट जा रहा है तो फॉलो करा सिचुएशन को पूरा, ये करंट आपका जा रहा है तो बताइए इस सिचुएशन में इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका लेंथ दिया हुआ है मान लेते हैं L, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फॉर्मूला आपका ये R बराबर क्या होता है, दिस इज रो L बाय A, दिस इज R बराबर दिस इज रो L बाय A, रो तो रेजिस्टिविटी फिक्स है, L आपका लेंथ, तो देखो यहां से पार कर रहा, ध्यान से कंडक्टर कितना लंबा पार किया, यही पार किया, तो लेंथ कितना हो गया L, तो रो भी फिक्स है L भी आप जान गए, बचा केवल एरिया, क्या एरिया निकाल सकते, एरिया कंडक्टर का, एरिया कंडक्टर का, जैसे ये आपका कंडक्टर इस तरह का बात कर रहा है, अडिग बस अब ये कर्व नहीं है समझो, कर्व ही है पूरा गोला है, अब यहां से जा रहा है तो ये वाला पार्ट का एरिया, यही क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पूरा, अगर भरा रहता तो पाई आर स्क्वायर सीधे बोल देते, लेकिन एक बड़ा वाला एरिया में छोटा घटेगा तब ना वो भरा हुआ पार्ट जो फिलअप पार्ट है केवल वो निकल पाएगा। ठीक बस, तो इस पार्ट का एरिया केवल हमको ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए जो हम दिखा रहे शेडिंग लाइन के द्वारा, उससे तो कितना आ जाएगा, दिस इज रो एल, आराम से आप निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और ये आपका एरिया, बताओ ये आप रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, तो आप एकदम बढ़िया समय करंट का दिशा के में जो होगा वो लेंथ और उससे परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, यहां तक तो आपसे हो जाएगा। अब बाय द वे अडिग बस करंट से इधर से निकलना रहता, अडिग बस करेंट्स को हम ऐसे पार कर रहे हैं अंदर से,
अंदर से निकल रहा है करंट्स ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पर कोई सिस्टम रख दिए, ये पॉजिटिव इंड रखा हुआ है, मतलब ये वाला टर्मिनल है वो प्लस है और ये आपका निगेटिव, और इस तरह से करंट को निकल रहा है, यहाँ वाला करंट इस दिशा में निकलेगा, इधर दिशा मतलब आउटर की ओर निकल रहा है। अब बताओ इस सिचुएशन में परिणाम क्या होगा, इस सिचुएशन के लिए लेंथ क्या होगा। ठीक, बस रेजिस्टेंस के लिए बोलो, जब नहीं बढ़ रहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी भी हो जाता है रो एल बाय ए, तो बड़ा प्रत्येक करंट कितना रेजिस्टेंस पार कर, कितना लेंथ पार कर रहा है, यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है ये तो हवा है, हवा कुछ नहीं, कंडक्टर इतने ही है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, बड़ा कितना लेंथ होगा, ये पूरा लेंथ छोटा लेंथ है ए, याद रखे बी, तो आराम से आप बी माइनस ए समझ सकते हैं, आराम से आपका बी माइनस ए हो सकता है, लेकिन अब बताओ एरिया क्या लेगा, एरिया कौन सा लेगा, किस पार्ट का एरिया लेगा। ठीक है, इतना मोटा है, इतना मोटा कोई सरफेस पार्ट का, मैंने यहाँ से करंट घुसा, इतना मोटा है, इतना मोटा है, नीचे वाला का रेडियस ए, ऊपर वाला का रेडियस बी, ये कर्व है, कर्व ये कर्व कुछ तरह का दिखा रहे हैं। ठीक, बस नीचे वाला का एरिया ए, ऊपर का ए एरिया मैंने रेडियस है बी। अब बताओ इस तरह का टॉपिक को आप कैसे डिस्कस करें, मतलब समझो ऐसा ऐसे आ गया है, ये ऐसा यहाँ पर से करंट को पार करना है, ये करंट इस तरह से पार करना है, ये रेडियस यहाँ पर रेडियस एरिया ए है, यहाँ पर रेडियस, मतलब वेरिएबल, मतलब एरिया इज वेरिएबल, एरिया वेरिएबल है, तो बताइए इस सिचुएशन में क्या होगा। अगर एरिया वेरिएबल है तो हम कैसे बनाए, ठीक बस इसमें तो तुम्हारा एरिया को लेना, लेकिन कौन सा एरिया, नीचे वाला का, ऊपर वाला का, या पूरा, तो वेरिएबल एरिया, वेरिएबल एरिया लेने का तरीका साइंस में क्या है, इंटीग्रेशन, साइंस में लेने का तरीका इंटीग्रेशन, इसलिए आप डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते थे। तो प्रोसेस क्या है कि ये देखो बीच में एक पार्ट कंसिडर किए, मान लेते हैं कि सेंटर से x रेडियस पर एक पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक बस सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पार्ट कंसीडर किए, बहुत छोटा सा उसका चौड़ाई क्या लिया dx, ठीक बस अब करंट इसे इमेजिन करो कि बस केवल इतना ही है, तो करंट को बस ये वाला हिस्सा पार करना है, कितना पार करा रहा dx, करंट को कितना पार करा रहा dx, ठीक बस। और एरिया क्या होगा, अब बहुत ही पतला स्ट्रिप्स है, बहुत ही पतला स्ट्रिप्स है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, इसका एरिया चारों तरफ पार करेगा, चारों तरफ ना रहा है, उसके चारों तरफ का रीजन से, जैसे ये आपका सिलेंडर है तो ये चारों तरफ का सिचुएशन है, तो एरिया पूरा गोला का तो क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग छोटा सा रेजिस्टेंस ले रहे हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस लिए जैसे रो एल बाई ए के फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा रो एल की जगह पर डी एक्स, और ये एरिया हो गया पाई एक्स स्क्वायर। बोलो इतना समझ रहे, बस फिर से देख लो, फिर से बढ़िया से देख लो, अठीक बस बढ़िया से रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस में होता है रो एल बाई ए, तो रो यहाँ पर एल तो तुम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पूरा लेंथ बी माइनस ए हुआ, लेकिन हर पार्ट का एरिया बदल गया, और जब वेरिएबल है तो हम लोग का लेने का प्रोसेस क्या है कि बीच में एक जनरल पॉइंट कंसिडर किए, उस जनरल पॉइंट को मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, छोटा सा रिंग लिए, पतला सा रिंग लिए, उसका एरिया निकाल लिए, उसका लेंथ के हिसाब से बढ़ गया और बढ़ निकाल लिए। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मैंने क्या हुआ सम, तो तुम देखो क्या इसमें सम का यूज हो सकेगा कि नहीं, तो यहां से देखते हैं, यहां से ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्या है कि स्ट्रिप्स, ऐसा स्ट्रिप बना हुआ है, ऐसा स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप्स है, ये इस प्रकार का स्ट्रिप्स बना हुआ है, ठीक बस, तो क्या ये जो स्ट्रिप्स है इनका रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, ये सीरीज है या पैरेलल, सीरीज या पैरेलल, देखो मान लो इसका रेजिस्टेंस आर वन है, इसका आर टू आर थ्री, सीरीज या पैरेलल, तो सीरीज या पैरेलल का पहचान जानता हो ना, सीरीज या पैरेलल पहचान क्या है कि पोटेंशियल का पेयर अलग अलग, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल 50, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10, हर के लिए पोटेंशियल का मान डिफरेंट डिफरेंट, इसका 50-40 तो इसका 40-30, हर के लिए पेयर, अगर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो तो सीरीज कहलाता है, और सेम हो तो पैरेलल, तो ये आपका सीरीज है, और सीरीज रहा तो डायरेक्ट सम, सो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया जस्ट डायरेक्ट सम, सीधा सीधा सम, ठीक बस यही, अगर पैरेलल रहता तो पलट के जोड़ सीरीज, इसमें डायरेक्ट जोड़ दिए जैसे रो डी एक्स और पाई एक्स स्क्वायर, ठीक बस, और इसका लिमिट्स आपका आ रहा है कितना, देख लो इसका लिमिट्स हो गया दिस इज ए टू बी, उसका लिमिट्स हो गया जस्ट ए से बी की ओर, अटे बस ए से बी की ओर, सो कॉन्स्टेंट में आया रो बाहर पाई बाहर एक्स का पावर माइनस टू, लो अब इसका इंटीग्रेट कर दो, अब आपका आगे ऑपरेट कर देना जो आएगा वो आंसर, बोलो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बनाया जा सकता है, अटे बस
इसको आप सीरियसली लीजिए तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान किस तरह डिस्टेंस ले रहे हैं, कहाँ पर लेंथ ले रहे हैं, कैसा एरिया लिए, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, रो एल बाई ए ये प्रोसेस पर चलता है। ठीक है, बस फिर एक क्वेश्चन देखो इस प्रकार। जैसे मान लो कि कंडक्टर कुछ कौन शेप का है, इस प्रकार का दिया हुआ है। अरे बस यहां से करंट को फ्लो किए और ये जा रहा है ऐसा, इस प्रकार का। ये आपका रेडियस मान लेते हैं आर, इसका रेडियस आर। ठीक, बस ये रेडियस आपका आर, कोई प्रॉब्लम है इसका, और ये लेंथ कितना है एल। अब आप कहा जाए कि इस कंडक्टर का मतलब इधर से करंट प्रवाहित करना है, ठीक है, इधर फ्लो करना है, तो बताइए इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। बोलो आपसे मिलेगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला आपका रो एल बाई, ध्यान से आते रहो, रो क्या है फिक्स्ड, ये तो बदलना नहीं है। एल करंट कितना पार करना है, ये भी ठीक है। एरिया, क्या होता है, करंट जिस दिशा में जा रहा है उससे परपेंडिकुलर खड़ा क्षेत्र, तो इससे परपेंडिकुलर एरिया क्या बदल रहा है, यहाँ पर जीरो एरिया, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, और यहाँ पर पूरा आर तक रेडियस तक बढ़ गया। इसका मतलब वेरिएबल, वेरिएबल को आप पकड़ पाए रहे, ये आपका वेरिएबल। जैसे आपका दिमाग में यह बात सिचुएशन आ गया कि ये एक वेरिएबल सिचुएशन है, तो आपका प्रोसेस क्या है कि आप बीच में एक डिस्टेंस कवर की, कि यहां से हम एक्स दूरी पर, एक छोटा सा डिस्क काटे, जिसका डिस्क काट है उसका चौड़ाई कितना है, तो डीएक्स, चौड़ाई है डीएक्स, दूरी यहां से एक्स, ठीक है, चौड़ाई हो गया डीएक्स। ठीक है, रेडियस वाई मान लेते हैं, रेडियस तो अभी मालूम नहीं, इसका रेडियस कुछ होगा ना, लेट दिस बी वाई। ठीक है, बात ये वाई, बोलो याद हुआ, ठीक है, तो अब क्या आप इस रेडियस का, मारे जो दूरी है ये एक्स है, ठीक है, इतना पतला से स्ट्रिप लिया जाए कि उसका एरिया, मतलब हम लोग जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि नियरली एक्स के बराबर है, वो नियरली यहाँ पर जो रेडियस है नियरली वाई है, तो सब चीज का रेडियस वाई ही के बराबर ले रहे हैं, तो बताओ एरिया कितना आ जाएगा, पाई वाई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, डी आर का वैल्यू, तो रो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया कितना डी एक्स, और नीचे कितना हो गया, दिस इज पाई इंटू वाई स्क्वायर, डी आर बराबर रो डी एक्स इंटू पाई वाई स्क्वायर। अब ठीक है, इसी को रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, डी आर को इंटीग्रेट, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है। ठीक, बस आर बराबर क्या हो गया, रेजिस्टेंस के लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स बाय पाई वाई स्क्वायर, और लिमिट्स, अब बताओ लिमिट्स कितना आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, दो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, पहले आपको एक वेरिएबल में लाना होगा, तो बताओ क्या आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया जा सकता है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल में आ रहा है, ये आपका वाई, ये दूरी एक्स, ये दूरी आपका एल और ये आर, यानी कि वाई बाई एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बाई एल, तो आप यहां से एक लेसन में निकाल सकते हैं। ठीक, बस या तो आप y का मान निकाल लीजिए या x का ही निकाल लीजिए, तो y बराबर y क्रॉस ही कर लेते हैं। ठीक है, बस तो x देखो क्या आ जाएगा, y l बराबर x r, x r, ठीक है, बात या तो y को बदलो या x को बदलो, जो तुमको अच्छा लगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, l dy, वाई एल कॉन्स्टेंट बाहर, y का dy, और r dx, r dx, तो dx का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, L by R dy, L by R dy, और ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। हाँ, अब आप आगे बढ़िए, L by R, पाई R कांस्टेंट बाहर, ठीक है, वन बाय वाई स्क्वायर dy, लो इंटीग्रेट कर, लिमिट बोलो y का वैल्यू, y क्या है, रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितना था, जीरो, यहाँ लास्ट कितना हो गया R, सो जीरो टू R, लो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो और ये आपका एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या यहां पर, ठीक है, अब जो कैलकुलेशन करने से आएगा वो आपका फाइनल आंसर, बताओ इसमें कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो रेजिस्टेंस डिस्कस किया जा सकता है, मतलब थोड़ा और आगे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे अभी हम लोग क्या वेरिएशन दिखा रहे हैं कि एरिया, वेरी कर रहा है, लेंथ वेरिएशन पर भी आता है, क्या अगर लेंथ भी कम बेसी हो रहा है तब क्या होगा, तो तरीका उसमें भी क्या है, इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन के मदद से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो भी थोड़ा बहुत समय में आया होगा आपका, आज का कुछ क्वेश्चन आपको हमसे भेजते हैं, उसको आप ध्यान से मन से बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।